नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ रूट। यहाँ टू टाइप्स की रूट्स दी हुई हैं, एक दी हुई है आपके टैप रूट और एक दी हुई है फाइबर्स रूट। तो फॉर रूट्स ऑफ द काइंड शो इन फिगर 7.17 ए, द मेन रूट इज कॉल्ड टैप रूट एंड द स्मॉलर रूट्स आर कॉल्ड लेटरल रूट्स। प्लांट्स विथ रूट्स एज शोन इन फिगर 7.17 बी डू नॉट हैव अ मेन रूट, यह मेन रूट नहीं है, बहुत सारी ब्रांचेस निकली हुई हैं। ऑल रूट्स सेम सिमिलर एंड दिस आर कॉल्ड फाइबर्स रूट, और इस टाइप के रूट्स को हम क्या बोलते हैं, फाइबर्स रूट बोलते हैं। सेपरेट द प्लांट्स यू हैव कलेक्टेड इनटू टू ग्रुप्स, दो ग्रुप्स में प्लांट को कलेक्ट करना है और उनको सेपरेट करना है कि फर्स्ट ग्रुप में किस टाइप के प्लांट की रूट है, और फर्स्ट ग्रुप में ऐसे प्लांट को रखना है जिनकी रूट कैसी हो, टेप रूट हो, और सेकेंड बी ग्रुप में आपको ऐसे प्लांट रखना है जिनकी जो रूट है वो कैसी हो, फाइबर्स रूट हो। और लीफ वेनेशन, ये वाले ग्रुप में लीफ वेनेशन किस टाइप का है, और ग्रुप बी में प्लांट में जो लीव्स हैं उसके लीफ वेनेशन किस टाइप का है। तो डू यू नोटिस दैट लीफ वेनेशन एंड द टाइप ऑफ रूट्स इन अ प्लांट आर रिलेटेड इन, बूजो हैज अ ब्रिलियंट आइडिया, बूजो को एक बहुत अच्छा आइडिया आया। इफ ही वांट्स टू नो व्हाट काइंड ऑफ रूट्स अ प्लांट हैज, ही नीड नॉट पुल इट आउट, ही जस्ट हैज टू लुक एट इट्स लीव्स। अ वेरी इंटरेस्टिंग वे इन टेबल 7.2, कैन यू मैच द टाइप ऑफ लीफ वेनेशन एंड द टाइप ऑफ रूट, एक टेबल बनाना है उसमें मैच करना है कि इसका लीफ वेनेशन और टाइप ऑफ रूट किस टाइप का है प्लांट का। फॉर सम प्लांट्स यू हैव स्टडी इन ऑल द एक्टिविटीज, एक टेबल बनाए हैं टाइप ऑफ रूट्स एंड टाइप ऑफ लीफ वेनेशन। नेम ऑफ प्लांट, प्लांट का नेम बताना है आपको कि ये दिस नेम, कि भाई ये गुआवा है, ये ग्रास प्लांट है, ये वीट प्लांट है, उसके वेनेशन लीफ वेनेशन किस टाइप का है, और उसके टाइप ऑफ रूट्स टेप रूट है या फाइबर्स रूट है। वी हैव लर्न दैट रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल, हम जानते हैं कि रूट एब्जॉर्ब करती है वाटर और मिनरल को कहाँ से, सॉइल से। तो द स्टेम कंडक्ट्स दिस टू लीव्स, और स्टेम इसको कहाँ तक पहुँचाता है, लीव्स तक पहुँचाते हैं मिनरल्स और वाटर को, अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और प्लांट के अदर पार्ट में पहुँचाता है, कंडक्ट करता है। द लीव्स प्रिपेयर फूड, हम सबको पता है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस और फूड फॉर्मेशन लीव्स में होता है। दिस फूड ट्रेवल्स थ्रू द स्टेम, और ये फूड कहाँ ट्रेवल करता है, स्टेम, एंड इट इज स्टोर इन डिफरेंट पार्ट, स्टेम में और इसके डिफरेंट पार्ट में, प्लांट के डिफरेंट पार्ट में स्टोर होता है। वी ईट सम ऑफ दिस एज रूट्स लाइक कैरट, रेडिश, स्वीट पोटेटो, टर्पीन एंड टेपियोका। वी ऑल्सो ईट मैनी अदर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट वेयर फूड इज स्टोर्ड, ये जो डिफरेंट टाइप के रूट्स हैं, ये रूट्स हैं जिसका यूज हम करते हैं, जैसे कैरेट है, रेडिस, ये सारे क्या है, वी ईट सम ऑफ दिस एज रूट्स, ये सारे रूट्स हैं जिसको हम भोजन के रूप में यूज करते हैं। ईट मैनी अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट वेयर फूड इज स्टोर्ड, डू यू एग्री दैट स्टेम इज लाइक अ स्ट्रीट विद टू मेन ट्रैफिक, राइट द नेम ऑफ मटेरियल द गोज अप इन द स्टेम एंड दैट विच कम्स डाउन। इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। फ्लावर, यू आर शोन थ्री ब्रांचेस ऑफ अ रोज, रोज की कितनी ब्रांचेस ली है आपने, थ्री ब्रांचेस ली हुई हैं, ए बी और सी। विच वन विल हेल्प यू बेस्ट टू रिकॉग्नाइज द प्लांट, इन तीनों में कौन सी सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छी कौन सी दिख रही है आपको भाई, फर्स्ट में तो ना तो लीव्स हैं ना तो फ्लावर्स हैं, सेकेंड में सिर्फ लीव्स हैं, और थर्ड वाले में क्या है, लीव्स और फ्लावर्स दोनों हैं। विच कलर डिड यू यूज फॉर द फ्लावर, फिगर सी में फ्लावर कौन से कलर को शो कर रहा है, आर ऑल फ्लावर्स कलरफुल, सभी फ्लावर्स क्या है, कलरफुल है। हैव यू एवर सीन फ्लावर्स ऑन ग्रास, वीट, माइस, मैंगो और गुआवा, आर दोज ब्राइटली कलर्ड, लेट अस स्टडी अ फ्यू फ्लावर्स। व्हेन चूजिंग फ्लावर्स टू स्टडी अवॉइड यूजिंग मैरीगोल्ड, क्रिस्टेनियम और सनफ्लावर, यू विल लर्न इन हायर क्लासेस दैट दे आर नॉट सिंगल फ्लावर बट ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, इनके बारे में हम अध्ययन नहीं करेंगे क्योंकि इनको हायर क्लासेस में हम इनके बारे में स्टडी करेंगे, सिंगल फ्लावर्स नहीं बट ग्रुप्स ऑफ फ्लावर, फ्लावर्स का ग्रुप्स है, ये सनफ्लावर है, मेरीगोल्ड है। जब हम इन फ्लावर के बारे में
अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, तो वेयर डू यू थिंक द, क्या है, ऑब्जर्व फिगर 7.20, केयरफुली लुक एट द प्रोमिनेंट पार्ट्स ऑफ द ओपन फ्लावर, दिस आर द पीटर। ये सारा जो कुछ दिखाई दे रही है, जो ये पत्तियां फ्लावर में जो दिखना है, ये क्या कहलाता है, आपका पीटल्स कहलाता है। नीचे जो स्टेम के पास में जो होता है वो सीपल्स कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, सीपल्स। तो दिस आर द पीटल्स, डिफरेंट फ्लावर्स हैव पीटल्स ऑफ डिफरेंट कलर। ये जो पीटल्स होते हैं वो अलग अलग फ्लावर में अलग अलग कलर, कुछ में पिंक कलर होते हैं, कुछ में येलो होते हैं, कुछ में रेड होते हैं। वेयर डू यू थिंक द पीटल्स आर इन अ क्लोज बड। ये क्या है, क्लोज बड है, विच इज द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट इन अ बड। बड का ये प्रोमिनेंट पार्ट है। डिड यू सी दैट दिस पार्ट इज मेड अप ऑफ स्मॉल लिप लाइक स्ट्रक्चर, दे आर कॉल्ड सीपल। और बड के पास में एक लिप लाइक स्ट्रक्चर लगा हुआ होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीपल्स। टेक अ फ्लावर एंड ऑब्जर्व हिज पीटल्स एंड सीपल। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हाउ मैनी सीपल्स डज इट हैव, आर दे ज्वाइंट टूगेदर। बट के पास में कितने सीपल ज्वाइंट हैं, तो व्हाट आर द कलर्स ऑफ द पीटल्स एंड द सीपल, पीटल्स और सीपल्स का कलर कैसा है। हाउ मैनी पीटल डज द फ्लावर्स हैव, आर दे ज्वाइंट टू वन एनदर, आर दे सेपरेट। Do the flower with joint sepals have petals that are separate, or they also joined together? Sepals और petal एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि एक दूसरे से अलग हैं, ये बताना है। Fill the table based on the observation of the whole classes and observation to this table from a fine trip to a locality where there are plants with flowers. Fill the last two columns later to see the inner parts of the flower clearly. You have to cut it open off its petals are joined. For example, in Dhatura and other bell-shaped flowers, the petals have to be cut lengthwise and separate. Dhatura के प्लांट को अगर फ्लावर को अगर हम कट करेंगे तो उसके पीटल और सीपल के बारे में हमें क्लियरली शो हो जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन में एक टेबल दिया हुआ है और आपको बताना है कि नेम ऑफ फ्लावर प्लांट, फर्स्ट दे दिया है रोज, नंबर एंड कलर ऑफ सेपल्स, सेपल्स का कलर कैसा है, सेपल्स कैसे हैं, इसमें बहुत सारे हैं, मेनी हैं, और कलर है। नंबर एंड कलर ऑफ पेटल्स, पेटल्स कितने हैं, 5 कलर के हैं बता रहा है। आर द सीपल ज्वाइंट आर सेपरेट, सीपल ज्वाइंट है कि सेपरेट है, तो यहाँ सेपरेट है। आर द पेटल ज्वाइंट आर सेपरेट, पेटल्स ज्वाइंट है या सेपरेट है। स्टेमेन आर दे फ्री आर ज्वाइंट टू पेटल्स, पेटल से स्टेमेन ज्वाइन है कि फ्री है। पिस्टल प्रेजेंट है या एबसेंट है, ये बताना है। तो आउट सो दैट द इनर पार्ट्स कैन बी सीन क्लियरली, रिमूव द सीपल एंड पीटल टू सी द अदर पार्ट्स, स्टडी द फिगर 7.22 केयरफुली, कंपेयर यूअर फ्लावर विद द इलास्ट्रेशन एंड आइडेंटिफाई द स्टेमेंस एंड पिस्टिल इन यूअर फ्लावर। हमारे जो फ्लावर है उसमें स्टेमेन और पिस्टिल भी होता है। ये देखिए फ्लावर का, जब इसको हमने आइडेंटिफाई किया तो फ्लावर के पार्ट्स हैं ये। ये क्या है आपका, सीपल्स है, इसके बारे में पहले ही पढ़ा था। ये बाहर निकले हैं, ये पीटल्स हैं, ये एंथर्स दिए हुए हैं, ये हिबिस्कस का प्लांट है, गुड़हल का जो प्लांट है जिसको हम जैसवन के नाम से जानते हैं, ये एंथर्स दिया हुआ है, ठीक है। ये पिस्टिल, ये बीच में दिए पिस्टिल, ग्रीन कलर का पिस्टिल है। ये स्टेमन्स हैं, ये सारे जो निकले हुए हैं स्टेमन्स, क्रीम कलर के क्या हैं, ये स्टेमन्स दिए हुए हैं। तो ये डिफरेंट पार्ट ऑफ फ्लावर है, पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ अ फ्लावर, फ्लावर के अंदर जब उसका सेक्शन कट करेंगे तो हमको ये दिखाई देता है फ्लावर में। आप देखना, ये बोरी है, ये स्टाइल है, और स्टिग्मा ये प्लांट में दिखाई देता है। तो ये पार्ट्स ऑफ अ पिस्टिल, पिस्टिल के पार्ट्स हैं। राइट द नेम ऑफ पार्ट्स ऑफ पिस्टिल, ओवरी स्टाइल एंड स्टिग्मा। इफ यू कैन नॉट सी, ये सारे क्या है फिलामेंट, ये एंथर है। इफ यू कैन नॉट सी इट कंप्लीटली, रिमूव द रिमाइनिंग स्टेमेंस, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ द पिस्टल विद द हेल्प ऑफ फिगर 7.22, ड्रा अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ द पिस्टल ऑफ यूर फ्लावर। आप अपने फ्लावर का नीट डायग्राम बनाना है, किसका, पिस्टिल का। तो ये हो गया आपका प्लांट, प्लांट के डिफरेंट पार्ट, प्लांट ने फ्लावर के डिफरेंट पार्ट। फ्लावर को जब हम आइडेंटिफाई करेंगे, उसका सेक्शन कट करेंगे, तो हमें ये सारी चीज़ें फ्लावर में दिखाई देती है, ओरी दिखाई देती है, स्टाइल दिखाई देता है, स्टिग्मा दिखाई देगा, पार्ट्स ऑफ फ्लावर हैं, है ना। और फ्लावर में सीपल्स पीटल्स होते हैं, ठीक है। तो ये एक फ्लावर को जब हम आइडेंटिफाई करेंगे तो ये सारी चीज़ें हमें दिखाई देगी।